गैस 100 शब्द प्रति मिनट के गति का डिक्टेशन। सभापति महोदय, जो विधेयक सामने हैं, जो देश की हालत है, आवश्यक वस्तुओं के मामले में जो संकट देश के जनगण के सामने है, उपभोक्ताओं के सामने है, वस्तुओं की उपलब्धि के बीच उनका अभाव पैदा हो जाना और उनकी कृत्रिम महंगाई का पैदा हो जाना, ऐसी स्थिति है जिसमें स्वभावतः सरकार की ओर से कुछ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत होती है। मगर जो स्थिति है उसको देखते हुए और अभी जो मित्र सरकारी पक्ष के बोले हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद भी कलेजा कांपता है। क्या यह सरकार इस विधेयक का उद्देश्य है, वह इसे चाहती है? क्या यह सरकार इसको लागू करने का इरादा रखती है? मैं अभी नियत पर शक करने जैसी कोई बात कहना नहीं चाहता, लेकिन इस वस्तु स्थिति वहाँ तक जाने को मजबूर करती है। हमारे मित्र शासक दल के पिछली सरकार के बारे में बोले हैं जो उन्होंने कहा सही है, उससे ज़्यादा कहना भी सही होगा। देश के लोग जानते हैं कि उस सरकार में भी अधिकांश वही लोग थे जो उसके पहले शासक दल के थे, इसलिए नीतियों के जरिए महंगाई बढ़ाने में और चोर व्यापारियों को छूट देने में एक दूसरे से होड़ लेने में वे लगे हुए हैं कि कौन ज़्यादा जनगण को लूटने में चोर व्यापारियों की मदद करे, जनता दल के रूप में या कांग्रेस के रूप में देश के पूंजीपतियों की अपनी पार्टी और अपनी सरकार है, देश के जरिए उन्हीं का काम हो रहा है। अभी चीनी का जिक्र हुआ, जिस समय यह सरकार आई उससे पहले जनता पार्टी की सरकार ने चीनी की कीमत बढ़ाई और गन्ने की कीमत घटाई। कहा गया कि देश में चीनी ज़्यादा हो गई, इसलिए गन्ने की कीमत 250 रुपये क्विंटल कर दी गई है, लेकिन चीनी की कीमत बढ़ा दी है, फिर नियंत्रण हटाकर और फिर नियंत्रण लगाकर खुले बाज़ार में 4-4.25 रुपये किलो चीनी की कीमत कर दी गई। गन्ने की कीमत घटाकर और चीनी की कीमत बढ़ाकर खुलेआम जनता पार्टी की सरकार ने देश के लोगों से यह कह दिया कि किसान चूंकि गन्ना पैदा करते हैं इसलिए उसकी कीमत घट जाए, और करोड़पति चूंकि चीनी मालिकों के चीनी मिलों के मालिक है, उसका मुनाफा करोड़पति लेते हैं, इसलिए उनका मुनाफा बढ़ा दिया जाए। इस प्रकार उन्होंने लोगों से कह दिया कि भाई मतदाताओं, यह करोड़पतियों के हुक्म पर चलने वाली सरकार है। जब नई सरकार आई, प्रधानमंत्री जी ने जनता के सामने खुला ऐलान किया कि हम दाम को बांधेंगे, हमको बहुमत दीजिए। विशाल बहुमत मिला, वह बहुमत बनाने वाले मित्र उधर बैठे हुए हैं, और दाम बांधा गया। चीनी का दाम 4 रुपये किलो था, ऐसा कसकर बांधा कि उनका दाम बड़ा नहीं हुआ क्या? दाम कूदा, कीमत ने छलांग मारी, 4 रुपये से 4.25, 4.5 से 5 रुपये किलो कीमत हुई। इस तरह से इस नई सरकार ने करोड़पतियों से कह दिया कि सरकार ज़्यादा कारगर तरीके से तुम्हारी सेवा कांग्रेस कर सकती है और कर रही है। यहाँ पर गन्ने का जिक्र आया,
सरकार का दावा है कि देश में गन्ने का उत्पादन ज़्यादा हुआ है। हमारे कृषि मंत्री जी खासकर उस इलाके से आते हैं जहाँ के किसानों ने मेहनत करके उत्पादन बढ़ाने में अगली कतार में अपनी जगह बना ली है। किसानों का गन्ना बिक गया लेकिन सरकार के भंडार में गन्ना नहीं आया।